अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो सफ़ेद मोतिया जिसकी वजह से हमें आई लेंस चेंज करवाना पड़ता है, जो नेचुरल लेंस है उसका तो अल्टरनेट जो है आर्टिफिशियल तो मुकाबला नहीं कर सकता, आप चाहते हैं कि काला मोतिया ना आए या बहुत देर के बाद आए, तो उसके लिए आपको चंद एक चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए सबसे पहला आपको ये काम करना पड़ेगा, ड्राई इन्वायरमेंट से बचना पड़ेगा, आइज़ में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हफ्ते में दो दिन आपको फ़िश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप स्टीरॉयड्स इस्तेमाल करते हैं आई ड्रॉप्स में तो प्लीज़ अननेसेसरी इस्तेमाल ना करें, ये स्टीरॉयड्स भी आपका जो आई लेंस उसको धुंधला करते हैं, और जब लेंस धुंधला हो जाते हैं तो उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। स्टीरॉयड का कम से कम इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ फ्रूट्स का सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ जिसको ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करने से भी सफ़ेद मोतिया आता है, और जिसको शुगर है वो शुगर को कंट्रोल करें, अगर शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मोतिया आता है, और जो लोग सिगरेट पीते हैं सिगरेट छोड़ दें, अगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो सफ़ेद मोतिया आता है, जो लोग अल्कोहल पीते हैं अगर अल्कोहल नहीं छोड़ेंगे तो सफ़ेद मोतिया आता है, और जो लोग इसके साथ साथ अनहेल्दी डाइट लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, बेकरीज आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो उनमें सफ़ेद मोती आता है। तो आप लोग हेल्दी डाइट लें, सब फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो इस तरह फिश का इस्तेमाल करें, एग का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, आई को लुब्रिकेट रखें, ड्राई इन्वायरमेंट से बचें, धूप में जाएँ तो चश्मे का इस्तेमाल करें, तो इसी तरह स्टीरॉयड का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की आंखों में सफ़ेद मोतिया नहीं आएगा, अगर आएगा तो बहुत टाइम के बाद आएगा, ओल्ड एज में आएगा। तो इस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और दूसरों तो लोगों तक शेयर करें। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक।